नर्स का नाम है भोला सिंह, पिता का नाम कृष्ण सिंह है। ये नासरीगंज थाना क्षेत्र रोहतास का रहने वाला है और ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बीटा इलाके में 24 नवंबर को सुबह सुबह अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आप जानते हैं, गुप्ता ज्वेलर्स नामक एक ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने 15 लाख की ज्वेलरी को लूट लिया था, जिसके बाद देर शाम FIR दर्ज होता है। तुरंत पुलिस की टीम एक्टिवेट होती है और पता लगाती है कि आखिर सुबह सुबह जब गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक दुकान खोलते हैं और उसी वक्त अपराधियों की दबिश होती है, बाइक सवार अपराधी पहुंचते हैं और जिसमें अब दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, यानी दो लुटेरे जो रोहतास के रहने वाले हैं। रोहतास से कई दिनों से फरार चल रहे थे, कई पेट्रोल पंप लूट मामले भी में इनका नाम आया है, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट में रोहतास में जिस तरह से लूट हुई थी उसमें भी इनका नाम है, और जिनके पास से 12 लाख रुपये की ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया। सबसे पहले मैं आपको सुनवाते हैं पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कह रहे हैं। दो प्रमुख घटनाओं का पटना पुलिस के द्वारा उद्भेदन किया गया है और अच्छी गिरफ्तारी की गई है। सबसे पहले बीटा थाना क्षेत्र में कन्हौली बाजार में 24 नवंबर 2022 को लगभग सुबह 10 बजे गुप्ता ज्वेलर्स करके एक आभूषणों की दुकान थी। जैसे ही जो उसके स्वामी थे उन्होंने दुकान को खोला तो दुकान खोलते सार ही जो तीन अपराधकर्मी एक बाइक पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर लूटपाट की थी। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज करवाई थी बीटा थाना में और बताया था कि लगभग 15 लाख के जो आभूषण हैं ये जो अपराधकर्मी हैं उनके यहाँ से लूट कर चले गए थे। इसके तत्काल घटना होने के बाद हम लोगों ने टीम का गठन किया था, नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर, थानाध्यक्ष बीटा, हमारा SIU का टीम और हमारा CCTV का टीम। हम लोगों ने तुरंत जो टीम को एक्टिवेट किया, CCTV फुटेज के लोगों का मूवमेंट किस तरफ से है, किस तरफ से अपराधकर्मी आए, किस तरफ से अपराधकर्मी गए, वहाँ से हम लोगों को अच्छे सुराग मिले, सूत्र मिले और जो हम लोगों ने अपना तकनीकी अनुसंधान किया वहाँ से भी मिले। इसके बाद हम लोगों ने आसपास के जिला से भी संपर्क किया कि उनके यहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है, तो पता चला कि रोहतास जिला में भी काराकाट थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2022 में इसी अपराध शैली की एक घटना हुई थी जिसमें उनके पास कुछ सूत्र थे। तो जब इन सूत्रों का हम लोगों ने मिलान कराया तो हम लोगों को पता चला कि जो अपराधकर्मी है ये गोपालपुर थाना जो पटना का है इसके शाहपुर एरिया है वहाँ पर ये एक किराए पर मकान लेके रह रहे थे। जिन्होंने रोहतास की घटना की थी तो रोहतास पुलिस इनको खोज रही थी, उसके बाद इन लोगों ने अपना ठिकाना यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था और इसी क्रम में इन्होंने रेकी किया था और ये आगे भी पटना में घटनाओं को अंजाम देने के लिए लगातार रेकी कर रहे थे। तो उन्हीं की निशानदेही पे और जो हमारे पास सूत्र थे, सबसे पहले हम लोगों ने जो इनका डेरा था वहाँ पे घेराबंदी की गई और वहाँ से जो अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मेन इसमें टोटल तीन लोग गए थे उसमें से दो लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जो इनका मुख्य सरगना है उसका नाम है भोला सिंह, पिता का नाम कृष्ण सिंह है, ये नासरीगंज थाना क्षेत्र रोहतास का रहने वाला है और ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है उस क्षेत्र में। जो भोला सिंह है इसके ऊपर औरंगाबाद ज़िले में, रोहतास ज़िला में और भोजपुर ज़िला में कुल मिलाकर, और अभी पटना ज़िला में हो गया है, कुल मिलाकर 15 केसेस हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट लूट का केस है जो कि सासाराम में किया गया, सोना ज्वेलर की लूट का केस है जो कि काराकाट और नासरीगंज का है, पेट्रोल पम्प को लूटने के क्रम में गोली मारिया एक नोजल मैन को जो कि संझौली थाना क्षेत्र रोहतास का केस है, औरंगाबाद ज़िले में लूटपाट के केसेस हैं और भोजपुर ज़िला में भी लूटपाट का केस है इसके ऊपर। ये अभी सासाराम जेल से 7 महीना पहले ही छूट कर आया था और वापस आके पुनः इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को करना शुरू कर दिया था। इसके साथ जो दूसरा अपराधकर्मी पकड़ा गया है उसका नाम अभिषेक कुमार है, पिता का नाम अमर प्रसाद, ये बैदा गाँव मुरार ज़िला बक्सर का रहने वाला है और ये इसके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसकी पहली घटना है। ये भोला सिंह को एक जब वो जेल में था तो जो अभिषेक कुमार का एक दोस्त था वो भी जेल में था, उसी के थ्रू लोग आपस में संपर्क में आए थे। जो इसमें तीसरा अपराधकर्मी है अरुण नट करके है, वो भी गोरक्षिणी सासाराम रोहतास ज़िला का रहने वाला है। तो जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो जहाँ पे लोग छिपके रह रहे थे एक रेंट वाले रूम में, तो वहाँ से एक कट्टा और दो जिंदा कारतूस, देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और कुल 12 लाख के आभूषण इनकी निशानदेही पर
मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत चौगाई बाज़ार है, वहाँ पे एक पप्पू सुनार नाम का ज्वेलर है जिसको इन्होंने सारा बेचा था, जो कि अभिषेक जो दूसरा अपराधकर्मी है उसका खास परिचित था, उसी के घर से थोड़ी ही दूर पर उसका घर और दुकान थी। तो ये पूरी घटना इस तरह से थी कि ये लोग रोहतास के रहने वाले हैं और बक्सर के रहने वाले हैं। ये लोग जब यहाँ पे वहाँ का घटना अंजाम दे के यहाँ पे छिप के रह रहे थे तो इनको पैसों की ज़रूरत थी। ये लोग एक दिन सोनपुर जाने के क्रम में इन लोगों ने देखा था कन्हौली बाज़ार की रेकी किया था और इस स्वर्ण आभूषणकारों का ही रेकी कर रहे थे। उसी में ही तीन दिन तक उन्होंने इस दुकान को चिन्हित किया और सारा देखा कि ये लोग कब आ रहे हैं, कब जाते हैं, किस वक्त वो दुकानदार आता है, कितने बजे दुकान खोलता है। और जब उसका पूरा रेकी किया गया तो चौथे दिन जाके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसमें लगभग 80% जो आभूषण गए थे उसकी बरामदगी कर ली गई है और उन्होंने पहचान भी कर ली है जो दुकान के स्वामी हैं। एक देसी पिस्टल और एक दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और तीन अपराधकर्मियों में से दो की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है। उसका नाम अरुण नट है। तो आपने सुना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो को कि CCTV फुटेज के आधार पर यह पता लगाया गया और दूसरे जिले के पुलिस से संपर्क किया गया कि क्या ऐसी घटना पहले भी किसी के द्वारा की गई है। तो पता चला कि रोहतास में पहले भी ऐसी लूट की वारदात हुई थी जिसमें दो लोगों की जो नाम थे वो काफ़ी आ रहे थे। और देखिए, पटना में वो रह रहे थे फ्लैट लेकर, सोनपुर जाने के क्रम में उनकी नज़र पड़ती है गुप्ता ज्वेलर्स नामक एक शॉप पे और चौथे दिन उन्होंने इसे अपना निशाना बनाया और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी शॉप को वो आसानी से लूट कर फरार हो जाते। पटना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिसके पास से 12 लाख रुपए का आभूषण जो है वो भी जब्त हो चुका है। बहरहाल, इस खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अब तक हमारे Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द वो भी कर ले। धन्यवाद।